बिहार में आई भीषण बाढ़ के बाद सरकार के द्वारा कई जगह बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत शिविर बनाया गया था। सरकार के अनुसार बाढ़ का पानी अब गांव से निकल गया है और अब सरकार ने राहत शिविर में सामुदायिक रसोई सहित कई अन्य सुविधाओं को बंद कर दिया है और लोगों से अपने घर जाने को कह दिया है। पर अभी भी बाढ़ पीड़ित कह रहे हैं कि अभी उनके गांव की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो लोग घर जा सके। साथ ही सरकार से राहत शिविर में सभी सुविधा पुनः शुरू करने की मांग कर रहे हैं। बाबू एलिए डुबा बसा दूधो दिसले खनो बन हो गए बच्चा और दूध गुंज बन हो गए हम स्नित भूखा सुखोर को रोटियो बाटी गरज बुझो सुतु का रहे बुतरुक बगैर दूध और कैसे रखबे तेसरो सर करियो बर्तन देने लखनी सब चीज डूबिये भूसी सड़िए गए जेबे कथीन खेबे खप्पम नीन खेबे देवो नहीं कर लगे खनो बंद कर दिलके टेंटो उगारी उगारी ले गले की खाबे ने भुजा भुजी के खाय छी सर लको जंडो घर सुन न छी जन्मल का वो काय करे छी ए छे कादो छे यो सत्तू गुंडो खाय छी कलो बंद दे कर दिलके त की बंद कर लगे खानो कैसे रहे जो ऐसा सत्तू गुंडो खाय के रहे छी सब बाल बच्चा ले कारो कैसे रहे छी खरदिक न लो छे सत्तू घर से पे नहीं नून नारी है तो वह सत्तू छे प्याज नहीं छे मिर्चा प्याज मिर्चा नहीं है ऐसे ऐसा कर लो तब तब अब ऐसा कितना दिन खा अब जितना दिन खावा पड़ी है अभी कितना गर्म पानी गर्म पानी से ढेरी है अभी तो ऐसे ही सब परिवार तब बच्चा बुतरू सब जानवरों छा तब पूरे चारा ओकरो कौन चीज एकदा कुट्टी देलको तकर बाद फेन नहीं है देने से बंद नहीं करना चाहिए अभी ना किनी किनी खावा छन देखे जे किन अच्छी भूसा कभी बंद करना चाहिए खाना पीना तो अब हम सनी की के ओकरा सनी वो आयो गल लाग ले तो बंद करेल त रे नहीं मिले छे खा ले खाना बंद हो गले दूध बच्चा के दूध मिले रे नहीं मिले छे अब नहीं पिलाएंगे कैसे रहेंगे पिला के कितना दिक्कत हो जी कुमे दिक्कत है कैसे पूर्ति कर रहे हैं बच्चे का कैसे पूर्ति करेंगे कहीं से लाते होते हैं ना पहले की याद क्या मिलता था खाना दूध मिलते हैं मिलता था बच्चा कैसे रहते आप बच्चा कैसे रहते गर्म कितना पानी छो पानी गर्म छे घटी गेले अब तनी मनी छे कादो पानी जेबे रहबे रहबे सतबो गुंडो नहीं छे आ पानी छे गरम केना रहबे पानियो फेर बढ़ा लागले खानो बंद कर देलके कैसा करबे की खेबे कपड़ा लत्ता सब भसी गेले पानी में कितना पानी जमी गेलो तवा पानी में वलतील का पानी गेले त ने भसता है कपड़ा लत्ता सब भसी गेले कोचे रहले सब अनत पानी दूसर चार सर रे सब सड़ी गेले केना खेते पैसा कोड़ी कुछ न छे की खा जे जी कुछ न खा जे बात थोड़ा बहुत सतो गुंडो न छे घोरी तोरी पियाई छे छोटो बच्चा छोटो बच्चा छे देखो वहाँ खोपड़ी में एकटा पन्नी मिलो छे वही में सब का रखना छे कितना दिक्कत होगी दिक्कत खूब बे छे पूरे दिक्कत तो बनने करना चाहिए अभी ना ना भागदत्तपुरम अर्थात भागलपुर नहीं नहीं स्मार्ट सिटी भागलपुर भागदत्तपुरम का भाग्य भागलपुर हवाई अड्डे को लेकर कभी बेहतर नहीं हो सका। हवाई अड्डा की आस लगाए यहाँ के लोगों की आंखें पथरा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनावी सभा के दौरान भागलपुर पहुंचे थे तो इसी हवाई अड्डा के मैदान से उन्होंने वादा किया था कि यहां से हवाई सेवा शुरू होगी। कई मंत्रियों ने वादे किए हवाई सेवा शुरू होकर रहेगी, लेकिन वादा है वादा तो टूट जाता है। हवाई सेवा के लिए भारत सरकार के उड्डयन मंत्री ने बिहार के मुख्यमंत्री को पूर्णिया समेत कई जिले के लिए जमीन की रिपोर्ट मांगी है। इसमें भागलपुर का नाम नहीं होना दुर्भाग्य ही है। शहर के युवा, भागलपुर के विधायक और गोपालपुर विधायक ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। तो मैंने आग्रह कई बार विधानसभा में सवाल उठाया है सदन में, और इस बार मैंने आदरणीय ज्योतिराव सिंधिया को भी पत्र लिखा है, और पत्र लिखने के साथ साथ मैंने आज आदरणीय शहनवाज जी जो आज उद्योग मंत्री हैं, जो पहले से यहाँ सांसद, उनको भी मैंने आज पत्र दे भेजा है और उनसे भी आग्रह किया कि आप
आदरणीय ज्योतिराव सिंधिया से बात किया, पूर्णिया की बात कर रहे हैं बनाने का, दरभंगा में बना रहे हैं, जबकि पटना के बाद अगर सबसे कोई आर्थिक रूप से मजबूत और बड़ा शहर है भागलपुर, यहाँ कम से कम 8-10 जिला के लोग उपयोग में लेंगे उसको। इसलिए मेरा आग्रह था, सबसे किया है मैंने, और मैं उनसे टाइम भी मांगा हूँ ज्योतिराव सिंधिया से, अगर देंगे तो मैं जाके बात करूँगा। निश्चित तौर पर हवाई सेवा यहाँ शुरू होना चाहिए, जब हवाई सेवा शुरू होगा तब यहाँ पर कल कारखाने बड़े बड़े लगेंगे, शुल्क उद्योग फिर से पुनः, क्योंकि पहले भी हवाई सेवा यहाँ से चलती थी, ऐसा नहीं है कि आज पहली बार चलना है, बंद कर दिया गया है। उस समय लोग परचेजर बाहर से विदेशों से लोग आते थे, इसलिए मेरा आग्रह है कि उसको चालू किया जाए बिहार के हित में, भागलपुर के हित में। नहीं लगता है कि भागलपुर इतने, हाँ भाई निराश हम लोग भी है, सब जगह हो रहा है, भागलपुर से नहीं, भागलपुर में जगह उपलब्ध नहीं है, जगह का खोज कर रहे हैं। सब कोई कहता है गोराडी में इसका गौशाला का जमीन है, तो दिखवा लेते हैं कितना सा गौशाला का जमीन है, अगर 100 एकड़ पुर गया तो हवाई जहाज में उड़ेगा। बगल में पूर्णिया, हाँ पूर्णिया हो गया, सहरसा हो गया, सब जगह वहाँ उपलब्ध जमीन है, यहाँ उपलब्ध जमीन नहीं है, सब बाढ़ से प्रभावित इलाका है ना, कहाँ कोनो बाढ़ ग्रस्त इलाके में जहाँ पानी जमता हो वहाँ कैसे ले जाएंगे। जमीन तो है दियाराम में, दियाराम में हवाई जहाज अड्डा नहीं है ना बनेगा। भागलपुर में जरूरी तो है हवाई, जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। आप उद्यान मंत्री के पास मिलेंगे क्या प्रस्ताव? नहीं नहीं मंत्री के पास मिलेंगे तो लिखित आवेदन देंगे कि भाई हवाई जहाज छोटी मोटी रात दिन उतरते रहे भागलपुर में, भागलपुर ये हमारा भागलपुर जिला है ना, क्या क्या स्मार्ट सिटी बनने जा रहे हैं, स्मार्ट सिटी किस मामले में हवाई जहाज जी। मुझे ऐसा लगता है कि भागलपुर से हवाई सेवा जो है यहाँ के जनप्रतिनिधियों को और यहाँ के जो बड़े बड़े शीर्ष पे बैठे हुए राजनीतिक करने वाले जो लोग हैं वो उनके मन में कहीं ना कहीं ये सब बात नहीं आ रही है कि भागलपुर में जो अभी सिल्क उद्योग का जो भी बात चल रही है और बहुत सारे रोजगार की, शिक्षा की और बहुत सारे मुद्दे पर बात होती है, तो कहीं ना कहीं हमारा भागलपुर इसमें पिछड़ रहा है। और बिहार सरकार के विधि मंत्री प्रमोद कुमार के द्वारा बिहार में अपराध होने पर अपराधियों को पुलिस के द्वारा पकड़े जाने की बात करते हुए अपराध को नहीं रोके जा सकने वाले बयान पर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एनडीए के मंत्री राजद और कांग्रेस के शासनकाल को जंगल राज करार देते हैं तो क्या अब मंगल राज आ गया है। कांग्रेस विधायक ने बिहार सरकार के द्वारा रोजगार मुहैया नहीं कराए जाने के कारण आपराधिक घटनाओं में वृद्धि होने का कारण बताया है। उन्होंने सरकार से अपराध रोकने के लिए रोजगार मुहैया कराए जाने की बात भी कही। साथ ही अजीत शर्मा ने पूरे प्रदेश के गांव-गांव कस्बे-कस्बे तक पुलिस की मिलीभगत से शराब और बालू खनन किए जाने की बात कही। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता ने कहा कि अब पुलिस पर सरकार का नियंत्रण नहीं रह गया है। कांग्रेस विधायक ने एक बार फिर से बिहार सरकार से प्रदेश में शराब की दुकानें खोलकर टैक्स बढ़ाकर राजस्व प्राप्त कर युवाओं को रोजगार दिए जाने की बात कही, जिससे आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण हो सके। क्या अब ये मंगल राज है एनडीए की सरकार में? और क्या कह रहे हैं कि अपराधी करते हैं अपराध तो पकड़े जाते हैं, अपराध नहीं रोका जा सकता है, तो सरकार किस काम की है, पुलिस किस काम का है? पहले तो ये समझना होगा अपराध क्यों होता है। अपराध इसलिए होता है मंत्री जी ताकि आप उसको रोजगार नहीं दे रहे हैं। कल कारखाने कहाँ खोल रहे हैं आप? आप देखिए भागलपुर जिला में आप ये बयान दिए हैं, भागलपुर जिला में कृषि प्रधान जिला है, यहाँ पे मक्के होते हैं, गेहूं होते हैं, धान होता है, लीची है, आम है, सरसों की खेती, सब खेती होता है, लेकिन यहाँ पर कल कारखाने नहीं लगाए गए हैं। आखिर लोग कमाई नहीं होगी तो अपराध करेंगे, इसलिए आप सही कह रहे हैं मंत्री जी कि अपराध नहीं रोके जा सकते। जब जो सरकार काम करेगी, कल कारखाने खोलने का काम करेगी। आप बोलिए सिल्क नगरी है भागलपुर जो विश्व में जाना जाता है, आप एयरपोर्ट चालू नहीं कर रहे हैं, एयरपोर्ट पहले चला करता था। तो मंत्री जी जब अपराध तभी रुकेगा जबकि आप उसको रोजगार देंगे। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना पुलिस ने 2 शराब तस्करों को बड़ी मात्रा में शराब के साथ धर दबोचा। दरअसल मुजाहिदपुर थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शराब तस्कर बड़ी मात्रा में शराब की खेप लेकर भागलपुर पहुंच रहे हैं,
जिसके बाद सब इंस्पेक्टर अमर कुमार के नेतृत्व में गोरट्ठा चौक के समीप सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इसी दौरान बंगाल के रामपुर हाट से आ रही बस से उतरकर जा रहे दो यात्रियों को चेक किया गया तो उसके पास से एक ट्रॉली बैग और दो ट्रेकिंग बैग में भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया गया। पुलिस ने दोनों शराब तस्करों के पास से 313 ऑफिसर चॉइस की फ्रूटी विस्की बरामद की। गिरफ्तार दोनों शराब तस्कर खगड़िया के मानसी के रहने वाले रविंद्र कुमार और गौरव कुमार हैं। भागलपुर औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना क्षेत्र 0 माइल के समीप भारी मात्रा में गांजे के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक नाबालिग है। गिरफ्तार युवक भागलपुर के ही फतेहपुर का रहने वाला है, जिसका नाम मोहन शाह है। गिरफ्तार युवक अगरतला से गांजा लेकर भागलपुर आ रहा था, उसी दौरान उसे 0 माइल चौक पर गिरफ्तार कर लिया गया। युवक के पास से 5 अलग अलग पैकेट में भारी मात्रा में गांजे की बरामदगी हुई है। सलोखर में चल रहे संस्कृत सप्ताह का समापन रविवार को हो गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षक संघ के प्रखंड सचिव अर्जुन केसरी ने की। कार्यक्रम की शुरुआत स्वास्थ्य वाचन और दीप प्रज्वलन से हुई। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता संस्कृत भारती के ग्राम संयोजक नयन तिवारी ने संबोधित करते हुए कहा कि संस्कृत दिवस 1969 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी व शिक्षा मंत्री डॉक्टर कर्ण सिंह व संस्कृत सप्ताह 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी व शिक्षा मंत्री मुरली मनोहर जोशी के काल में प्रारंभ हुई। संस्कृत विश्व की समृद्धतम भाषाओं में अग्रणी है। इसके बल पर भारत पुनः विश्वगुरु व समृद्धि के सर्वोत्तम शिखर पर स्थापित हो सकता है। इस दौरान निबंध भाषण श्लोक गायन स्रोत गायन व क्विज आदि प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। निबंध में रोशन सहनवाज प्रीति भाषण में अंशु प्रिया शोभा सुधाकर श्लोक गायन में शिवानी कैमलिन सनराइज स्रोत गायन में सांभवी लक्ष्मी सुंदरम व क्विज में पल्लवी प्रिया कुमकुम व अंशु प्रिया ने क्रमशः प्रथम द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किया।